सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और चारू असोपा पिछले साल अपनी शादी में अनबन को लेकर काफी सुर्खियों में थे। दोनों ने अपनी नन्ही सी बेटी जियाना के लिए एक दूसरे को कई मौके भी दिए, लेकिन बात नहीं बनी और फाइनली 8 जून को ही कपल कानूनी रूप से अलग हो गया था। हालांकि तलाक के बाद से राजीव और चारू लगातार एक साथ स्पॉट किए जा रहे हैं। बीते दिन भी चारू असोपा और राजीव सेन बेटी जियाना सेन के साथ कॉफी डेट पर निकले थे। उन्होंने एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की है जिसमें वे अपनी बेटी के साथ में नजर आ रहे हैं। पोस्ट में राजीव के डैडी भी दिख रहे हैं, वहीं चारू बेटी जियाना को गोद में लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के कैप्शन में दिल का इमोजी पोस्ट किया गया है। वहीं एक और इंस्टा स्टोरी में चारू और राजीव टेस्टी मिठाइयों के साथ कॉफी डेट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तलाक के बाद भी एक दूसरे के साथ खूब टाइम स्पेंड कर रहे चारू और राजीव अब ट्रोल हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, डेली सोप है क्या इनकी लाइफ। वहीं एक अन्य ने लिखा, मजाक बनाकर रख दिया है रिलेशन का। वहीं एक और ने लिखा, या तो आप लोग एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं या अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हैं या ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने परिवार के सदस्यों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। वहीं राजीव ने हाल ही में अपने एक व्लॉग में खुलासा किया कि उन्होंने चारू को एक वेब सीरीज ऑफर की है और उम्मीद कर रहे हैं कि वह उसके साथ इसे करने के लिए सहमत होंगी। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में भी राजीव ने कहा था, हम अगले महीने से इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं। मैंने चारू को फिल्म में एक रोल ऑफर किया है जो बेहद चैलेंजिंग है और इस फैक्ट को देखते हुए कि वह एक शानदार एक्ट्रेस है, वह इसके साथ पूरा न्याय करेगी। साथ ही चारू और मैंने कभी भी स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं किया है, तो चलिए आशा करते हैं कि वह सहमत होंगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।